1790 में फ्रांस की राज्य क्रांति के बाद फ्रांस से निरंकुश राजतंत्र का अंत हो गया और वहां पर लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना की गई। फ्रांस का अंतिम सम्राट लुई सोलवा था, जो एक अयोग्य शासक सिद्ध हुआ। फ्रांस की जनता ने लुई सोलवे पर राजद्रोह का आरोप लगाकर 21 जनवरी 1793 में उसका सरकलम किया और उसकी पत्नी और फ्रांस की महारानी मेरी एंटोनेट को राजद्रोह के आरोप में 16 अक्टूबर 1793 में मौत की सजा हुई। कहा जाता है कि जब लुई सोलवे और मेरी एंटोनेट का सरकलम किया गया, तब फ्रांस की जनता ने निशाने के रूप में रखने के लिए अपने रुमाल को उनके खून में डुबोया। जी हाँ दोस्तों, 2011 में वैज्ञानिकों के एक समूह ने यह दावा किया है कि लगभग 1793 में एक खून से सना हुआ रुमाल लुई सोलवे के खून में भिगोया गया था। इतिहास से जुड़ी हुई इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी पाने के लिए मेरे चैनल हिस्ट्री लवर्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।